भारतीय इतिहास में कभी एक दूरदर्शी नेता हुआ करते थे, नाम था संजय गांधी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नवासे और भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी। संजय गांधी को इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। इनडायरेक्टली तो वो भारत को लीड करते ही थे, लेकिन इससे पहले वो देश को डायरेक्ट लीड करते एक प्लेन क्रैश में उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद देश की सियासी हवा पूरी तरह से बदल गई। चलिए खैर, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात है साल 1976 की। देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत में लगे आपातकाल के काले दौर की चर्चा हो रही थी। लेकिन नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अमेठी कस्बे के पास का खैराना गांव एक दूसरी वजह से अचानक देश और दुनिया के अखबारों की हेडलाइन बन गया। अमेठी से सटे इस गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी अपने कुछ युवा साथियों के साथ यहां पहुंचे और फावड़ा चलाकर उन्होंने सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया। उनके साथ देश भर से बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के लोग श्रमदान के लिए यहां आकर जुटे हुए थे। कहा जाता है कि इसी श्रमदान से संजय गांधी की राजनीतिक यात्रा की भी शुरुआत हुई थी। आपको बताते चले कि इसी गांव को श्रमदान के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि अमेठी से बिल्कुल लगा हुआ था, इसमें और कोई खास वजह नहीं थी। तो ये थी संजय गांधी के राजनेता बनने की पूरी कहानी। चलिए अब बात कर लेते हैं चार पहिया गाड़ियों के प्रति उनके लगाव का। जी हाँ, संजय गांधी को कारों और विमानों का बड़ा शौक था। कॉलेज छोड़कर रोल्स रॉयस के साथ इंटर्नशिप करने वाले संजय जब लौट कर आए तो भारतीय माहौल के हिसाब से एक कार बनाने की सोची। दिल्ली के गुलाबी बाग में एक वर्कशॉप तैयार की। माँ से इस पर बात हुई तो उन्होंने एक सरकारी कंपनी बना दी। इस तरह जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड अस्तित्व में आई और संजय उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने। विनोद मेहता ने द संजय स्टोरी में लिखा है कि इमरजेंसी लगी, उसके बाद इंदिरा सत्ता से बाहर हो गई। जनता पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट बंद कर उसकी जांच बैठा दी। इंदिरा 1980 में सत्ता में लौटी, लेकिन कुछ महीने बाद ही संजय गांधी एक प्लेन क्रैश में मारे गए। करीब 3 साल बाद दिसंबर 1983 में मारुति 800 लॉन्च हुई और पूरे देश में छा गई। संजय का सपना उनकी मौत के बाद पूरा हो पाया। ये तो रही संजय गांधी के तकनीकी शौकों की बात। चलिए अब जान लेते हैं बॉलीवुड से उनका क्या विवाद था। जी हाँ, इंद्र कुमार गुजराल के इस्तीफे के बाद संजय की पसंद के विधा चरण शुक्ला को देश का नया सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया, जिसके बाद शुरू हुआ देश के संचार माध्यमों पर शिकंजा कसने का दौर। उस दौर का एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ। दरअसल मशहूर गायक किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के एक सम्मेलन में गाना गाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद किशोर कुमार को काफी कुछ झेलना पड़ा था क्योंकि तमाम सरकारी कार्यक्रमों में किशोर कुमार के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी तरह अमृत नाहटा की एक फिल्म किस्सा कुर्सी का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये फिल्म 1975 में रिलीज होनी थी, मगर समीक्षा में आपत्तिजनक मिलने पर नोटिस भेजा गया और 51 आपत्तियां गिनाई गई थी। आखिरकार आपातकाल में फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। एक और किस्सा संजय गांधी से जुड़ा हुआ वो ये है कि उन्होंने अपनी माँ इंदिरा गांधी पर हाथ उठाया था। जी हाँ, ये घटना उस दौर की बताई जाती है जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। तब लुईस सिमंस नाम के एक पत्रकार दिल्ली में वॉशिंगटन पोस्ट के संवाददाता थे। सिमंस को 5 घंटों के अंदर देश छोड़ने को कहा गया था। दरअसल बैंकॉक के होटल में बैठकर उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की जो बाद में जंगल में आग की तरह फैली। उन्होंने दावा किया कि इमरजेंसी की घोषणा से कुछ दिन पहले हुई एक डिनर पार्टी में संजय गांधी ने सबके सामने इंदिरा को 6 तमाचे जड़े थे। सिमंस ने पार्टी में मौजूद 2 लोगों के हवाले से दावा किया था। ये खबर बड़ी तेजी से फैली। अब सिमंस के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो खुद सिमंस जानते होंगे, लेकिन हाँ, उनके इस दावे ने संजय गांधी की बहुत फजीहत कराई है। बहरहाल संजय गांधी से जुड़े बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये किस्से आपको कैसे लगे हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा।